हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है सैटरडे और आप लोगों के सामने खड़ी है हमारी GT 650। और यार मैं बहुत दिनों से इसके लिए कोई बढ़िया सा कीरिंग देख रहा था जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था मार्केट में। बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने, जो हार्ड मटेरियल वाले कीरिंग आते हैं उससे स्क्रैचेस आने लगते हैं हैंडल बार में, तो वो इसलिए मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, मैं वो यूज़ नहीं करता कभी। तो देखो अभी सिंपल चाबी लगी हुई है GT की, तो मैंने मंगा लिया है बहुत ही बढ़िया बहुत ही शानदार कीरिंग अपनी GT के लिए और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे को बहुत, मैं तो अमेज्ड हो गया था यार देख के कि जैसा आप लोग देख, चलो मैं आप लोग अनरैप करके दिखाता हूँ। मैंने अमेजोन से मंगाया है ऑनलाइन और मैं देख के यार मेरे को इतना बढ़िया लगा, मैंने बोला ये ऐसी ही चीज़ चाहिए थी, क्योंकि जो हार्ड मटेरियल होता है उससे तो स्क्रैचेस आते हैं, तो इसलिए रिबन वाला ही यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और रिबन वाला ही मंगाया हमने। थंबनेल में आपको देख ही रहा होगा कि कैसा कीरिंग है, थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगा अब तो। चलो अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, अभी तक पैकिंग में ही है, पैक्ड ही है, तो मैं आप लोगों को इसकी पैकिंग खोल के दिखाता हूँ। और आप लोग अपनी GT की ये पेंट स्कीम देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम ऐसा मैच होता हुआ, बिल्कुल सेम ऐसा ही मैच होता हुआ हमारा कीचेन है। पैकिंग ये रखी हुई है, पैकिंग देखो, ये मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये आया कहाँ से वही मैं बताता हूँ आपको। ये केरला से आया, गाड़ी देख लो आप लोग बहुत अच्छे से, आप लोग इसका कलर देखो यार, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसा उसमें पेंट स्कीम है वैसे ही इस कीचेन में बना। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अभी तक मैंने खोला नहीं है, तो चलो आप लोग के साथ ही इसको खोलते हैं। वो सो गाइस ये देखो सेम जो हमारी GT में, जो हमारी GT का कलर है जैसे आप टैंक में देख सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। तो ये देखो कॉन्टिनेंटल GT, ये देखो आप और वो देखो, और समझ लो कि ये टैंक ही बना हुआ है, इसमें टैंक में जो पेंट स्कीम दी गई है बिल्कुल सेम वैसा ही है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, तो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। वो इसमें लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन, काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप लोगों में से किसी को भी लेना है तो अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हो इसको। मेरे को तो आइडिया नहीं था यार कि अमेज़ॉन में ऐसा कुछ होगा, मैंने अमेज़ॉन में सर्च किया, ये जब मैंने देखा तो यार मैं तो बोला यार ये तो सबसे पहले मंगाऊंगा मैं, और मैंने तुरंत मंगाया तुरंत। और मैं आप लोगों को अब GT की चाबी में लगाता हूँ, इसको चाबी में लगा के दिखाता हूँ। ये रही हमारी GT की चाबी, देख सकते हो आप लोग, तो चलो अब इसको फटाक से लगाते हैं। तो ये देखो गाइस लगा दिया हमने, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, बिल्कुल मैच हो रहा है, सेम है, बस ये है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, लेकिन फिर भी यार काफ़ी बढ़िया है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है इसकी। तो चलो अब इसको हैंडल में इसको लगाते हैं चाबी को, अब ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और गाइस एक चीज़ और, हमारी GT को लगभग 2 महीने होने वाले हैं, 1 हफ्ते बाद इसको 2 महीने हो जाएंगे, और इसका नंबर भी आ चुका है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने स्पेशल नंबर लिया है, और जो नंबर लिया है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा खास है मेरे लिए, मैं एक तरीके से मेरा कोड नंबर है जो मैंने लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उसी से रिलेटेड आएगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन सा नंबर लिया, उसी दिन हम इसकी नंबर प्लेट्स भी लगवाएंगे, इसमें बढ़िया अच्छे स्टाइल से नंबर लिखवाएंगे, और आप लोग को उससे आइडिया मिलेगा यार। कई लोग ऐसे सिंपल पसंद नहीं करते ना, तो थोड़ा ऐसा कि जो लीगल भी हो, जो लिखवाना और अच्छा भी लगे, गाड़ी के साथ मैच होना चाहिए, तो वो भी हम अच्छी सी नंबर प्लेट बनवाएंगे इसके लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा नंबर लिया है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और आप लोगों ने देख ही लिया है जो हमने बढ़िया सा ये कीचेन मंगाया है रिबन वाला, और ये हैंडल में कोई नुकसान भी नहीं करेगा क्योंकि ये तो रिबन का है। और ये देखो, ये जो कभी कभी क्या होता है, इतनी छोटी छोटी सी चीज़, ये जो रिंग देख रहे हो आप, इससे तक स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने रिबन वाला मंगाया। अभी उड़ेगा लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सबको यही बोलूँगा यार, आप लोग अगर अपनी बाइक की हैंडल बार की केयर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते इसमें स्क्रैच आए, तो कोई भी हार्ड मटेरियल वाला चीज़ मत यूज़ करो, रिबन ही यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपने मॉम डैड का भी ख्याल रखना। बाय बाय।